Assalamualaikum guys, क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ लोग खैरियत से होंगे। गाइस जीके फैमिली में आपको वेलकम। गाइस आज का जो ब्लॉग है बहुत स्पेशल ब्लॉग होने वाला है, क्योंकि हम लोग जो है वो आए हुए हैं कि स्पेशल कैटरिंग में। तो ये तो बड़ी तारीफ हो रही थी कैटरिंग के खाने की, तो हमने कहा क्यों ना आज उस कैटरिंग का आपको विजिट कराया जाए, आज का क्या क्या मेन्यू है वो दिखाया जाए। इस कैटरिंग की खास बात यह है कि ये कम पैसे में एक अच्छी क्वालिटी का आपको खाना प्रोवाइड करते हैं, और इनका कहना है कि कभी इनका खाना कम नहीं पड़ता, क्योंकि ये पर हेड के हिसाब से नहीं किलो के हिसाब से बनाते हैं। अदरवाइज़ ये बातें करते रहेंगे, प्राइस आज आप जो है आज का मेन्यू आपको दिखाते हैं, और फिर मेन्यू के साथ साथ इसके ऑर्डर से भी आपको बात कराएंगे, ठीक है ना। और गाइस अगर आप लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सही है, तो गाइस फिर स्टार्ट करें। स्टार्ट व्यूअर्स, इनकी टीम देखें आप किस तरीके से काम हो रहा है, ये देखें व्यूअर्स। ये अरबी पफ कहलाते हैं, बहुत ज़बरदस्त होते हैं, क्रिस्पी होते हैं, फुल चिकन होते हैं इसके अंदर। ये देखिए आप, ये तैयार है अरबी पफ। सो व्यूअर्स इस टाइम ये है लाइव कढ़ाई, ये देखिए आप टमाटर रेड कढ़ाई। बस ये जो है कढ़ाई तैयार रखी हुई है, आप ये देखिए वाह वाह वाह, देख रहे हैं मैं, इतने मज़े की हो रही होती है, खाएंगे तो क्या होगा। ये लाइव कढ़ाई है, लाइव चिकन कढ़ाई व्यूअर्स। ये जो है चिकन टिक्का तैयार हो रहा है, ये देखिए आप। बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई लोग, ये देखिए आप, बहुत ज़बरदस्त रस भरा टिक्का लग रहा है मुझे, रस भरा। व्यूअर्स यहाँ चंदन कबाब तैयार हो रहे हैं, व्यूअर्स। तो आप लोगों ने अभी मेन्यू देखा, अब हम AU कैटर्स के मालिक नसीम कुरैशी साहब से आपकी बात कराते हैं, ये अब आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो अस्सलामुअलैकुम। ये वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताएं कि आप जो है आपका कैटरिंग कब से कर रहे हैं आप ये काम? ये तकरीबन 12-13 साल कर रही है। तो आप क्या क्या मेन्यू प्रोवाइड करते हैं लोगों को? भाई पार्टी की डिमांड भी होता है, जो हमें से जो चीज़ें बोलते हैं हमको प्रोवाइड करते हैं, अगर वो चाइनीज़ बोलते हैं चाइनीज़ पाकिस्तानी तमाम किस्म के खाने हम लोग तैयार करते हैं। तो जैसे पार्टी की डिमांड होती है इसी हिसाब से हम उसको मेन्यू का उनका जो है बनाते हैं। तो कोई पाकिस्तानी मेन्यू मांगता है, कोई चाइनीज़ मांगता है, लेकिन आजकल तो पाकिस्तानी और चाइनीज़ मिला ज़्यादा यूज़ है। इसके अंदर ये कि जो हमने जैसे दिए आप ये हमारा इवेंट देख रहे हैं, इसके अंदर हमने ये चिकन लाइव कढ़ाई बनाई है, चिकन बिहारी टिक्का बनाया है, चंदन कबाब है, अरबी पफ है, बीफ का हलीम है, बीफ की बिरयानी है, और गाजर का हलवा है, और क्रीमी कॉफ़ी एक्सप्रेसो कॉफ़ी वो
पकौड़े हमारे पास और रोटी तापमान सलाद रहा है, ये सब चीज़ें इसके अंदर हमने प्रोवाइड की हैं हमारे पार्टी के लिए। ये हमने सब चीज़ें इसमें बनाई, हम क्वालिटी और क्वान्टिटी की गारंटी देते हैं। इंशाल्लाह ताला एक बार जो काम करा है वो कुछ करते हैं कि वो दोबारा हमारे पास आए, ताकि हम उनको बहुत अच्छी से अच्छी क्वालिटी और क्वान्टिटी पर ऐसी दें कि अगर वो सब मेहमान फारिग होने के बाद भी उनके पास इतना हो कि वो अपने थोड़ा घर चले जा सकें। हमारी कोशिश होती है कि हम कोई खाना हमारा शॉर्ट ना हो, कोई खाने में कमी ना आए, और क्वालिटी हमारी कोई डाउन क्वालिटी या क्वान्टिटी का कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं। आज का जो खाना आपने बनाया है क्या पर हेड पे बनाया है? ये आज वाला खाना जो है ये तकरीबन 650 रुपये पर हेड के हिसाब से हमने बनाया। अगर इसमें हमारी पार्टी कोई और मजीद कोई चीज़ इंक्लूड कराना चाहे तो उसको हम इंक्लूड कर लेते हैं। जैसे हम स्पेसिफिक कोई इसमें डालना चाहे तो स्पेसिफिक भी हम डाल देते हैं, उसमें फिर पर हेड जो है पैसे बढ़ जाते हैं। और उसके अंदर दूसरी चीज़ें हैं कि वन टोन वगैरह हैं, और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं चाइनीज़ के अंदर भी हैं पाकिस्तानी में, और जितना आप उसके अंदर जीते बढ़ाते रहेंगे वो पर हेड आपका बढ़ता रहेगा। लेकिन अभी जो हम पर हेड बचती आएगी तकरीबन 650 रुपये पर हेड के हिसाब से हमने खाना बनाया है। तो हमारी डिमांड जो पार्टी की डिमांड थी उनको हमने ये 650 पर हेड पर खाना दिया। तो आप ये बड़े इवेंट ही कवर करते हैं, अगर कोई छोटा मोटा इवेंट करना चाहे, कोई व्यूअर हमारा आपसे बिरयानी बनवाना है, कुछ चीज़ बनवाना चाहे, तो आप उनको ये चीज़ें कर देंगे? भाई हम पूरे कराची के अंदर ये चीज़ें सप्लाई करते हैं, पहुँचाते हैं उनके पॉइंट तक, जहाँ वो उनका पॉइंट होगा वहाँ तक पहुँचाते हैं। और हम सारे छोटे प्रोग्राम भी करते हैं, बड़े भी करते हैं, भले वो 50 तक इवेंट क्यों ना वो भी हम करते हैं। लेकिन ये उसके लिए थोड़ी कॉस्ट भी बढ़ जाती है, सब अपराध को होता है, लेकिन टर्मेंट है लेबर टाइप से बढ़ जाते हैं। हम 50 बच्चे भी करते हैं, 100 का भी, 500 का, 1000 का, कितना भी हमें जितना मिलता है सारे प्रोग्राम जो है वो पूरे हम करते हैं। आप अपने कुछ कैटरिंग के बारे में बताइए, एयू कैटर आपका कहाँ पर है, अगर आपसे कुछ कॉन्टैक्ट करना चाहें? कॉन्टैक्ट नंबर तो मोबाइल पे इंशाल्लाह भी आ जाएगा, हम दे दूँगे। और इसके अलावा कि हम नाजामाबाद में होते हैं, नाजामाबाद से हमारी सारी कैटरिंग होती है, संडे भी होती है, हम दो तीन जगह से जो है ना अपनी जो है चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करते हैं। अगर हमारा व्यूअर्स कोई हमारा रेफरेंस से अगर आपको ऑर्डर लेता है तो आपको कोई खास डिस्काउंट देंगे आप? तो हम ये कि अगर आपके कैंट रेफरेंस से कोई हमारे पास आता है तो हम तकरीबन तकरीबन कोई इंशाल्लाह 50 या 70 रुपीज़ पर हेड पर हम उसको मजीद जो है ना उसको हम डिस्काउंट देंगे। हाँ ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच रखी साहब, आपसे बात हुई। व्यूअर्स खाना स्टार्ट हो चुका है, तो कुछ गेस्ट आए हम तो उनसे पूछते हैं कि खाना कैसा लग रहा है। सर कुछ बताएंगे आप खाने के बारे में? बेहतरीन सर, बहुत टेस्टफुल है हर चीज़, चिकन भी बहुत मैरिनेट है, गाजर का हलवा बहुत ज़्यादा अच्छा बना हुआ है, अरबी सॉस भी अच्छे हैं, और खाना ओवरऑल
9 out of 10. व्यूअर्स, एयू कैटरर्स पे खाना लोग इंजॉय कर रहे हैं, आप देखें, देखें रसीली बिरयानी।